साहिबगंज की गंगा नदी में मछली उत्पादन में कमी आने से इलाके के मछुआरों की परेशानी के प्रति राज्य सरकार काफी गंभीर है। मछुआरों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने गंगा नदी में मत्स्य बीज छोड़ने की योजना को लागू किया है ताकि गरीब मछुआरे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। झारखंड सरकार की इस योजना अंतर्गत साहिबगंज जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार गुप्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहिबगंज एवं समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को महादेवगंज स्थित सत्य कटिया कॉल जलकर में एक फिंगर रिंग से मछली का बीज छोड़ा गया। वहीं जिला मत्स्य पदाधिकारी ने कहा कि सरकार गरीब मछुआरों के हितों का ख्याल रख रही है। बताया गया कि साहिबगंज जिले में गंगा नदी लगभग 83 किलोमीटर तक बहती है जिसमें मत्स्य बीज छोड़ने का कार्य किया जा रहा है। यह योजना पहले बार आया है ना, पहले ये झारखंड के 2400 जिला में ये योजना चल रहा था, यहाँ नहीं चल रहा था। यहाँ पर तो गंगा नदी 85 किलोमीटर बहती है और बहुत सब कोल ढाब है और अब गंगा नदी में मछली अपने प्राकृतिक मछली कम हो गया है, तो सरकार का ये मंशा है जो हम लोग जलाशय में मछली डाल के और इसका उत्पादन को बढ़ाएं। इसी परिपक्ष में झारखंड सरकार के द्वारा इस जिले को मात्र 1,00,000 फिंगरलिंग माने मछली का बीज डालने का हमको लक्ष्य प्राप्त था। इसमें जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय से अनुमोदन लेने के बाद हम ये सतकटिया कोल में आज स्टॉकिंग कर रहे हैं, जिस इसमें सदस्य हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और गंगेटिक सोसाइटी के मंत्री अरुण कुमार चौधरी, सभापति महोदय जी, सभापति महोदय, इनके उपस्थिति में यहाँ संचयन किया जा रहा है। इससे सभी मत्स्य पालकों को फायदा होगा और सोसाइटी का 1200 मेंबरों को फायदा होगा। ये मछली अब इसी में रह जाएगा, अगले साल ये सारी मछलियाँ 1 kg से ऊपर हो जाएगी। आगे बताया कि 12 से 1300 सदस्यों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। वहीं समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा इसके पूर्व सतकटिया कॉल के निरीक्षण के क्रम में पाया था कि वहां मछली का उत्पादन कम हो रहा है। उन्होंने जिले के उपायुक्त को पत्राचार कर इसकी जानकारी दी थी। बाद में जिला मत्स्य पदाधिकारी ने झारखंड सरकार से भी पत्राचार कर मत्स्य बीज देने का आग्रह किया था। इसी क्रम में झारखंड सरकार योजना अंतर्गत सतकटिया कॉल में मत्स्य बीज छोड़ा गया। समिति के अध्यक्ष ने इसके लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे गरीब मछुआरों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।